स्टार्ट से करें जी। परवेज भाई नमस्कार जी। परवेज भाई आज आप लोग जो सारे के सारे यहाँ पर जमा हुए हैं, संस्थाएं कितनी संस्थाएं इस वक्त यहाँ पर मौजूद है? तकरीबन 20 संस्थाएं। 20 संस्थाएं और 20 संस्थाओं के तमाम के जो है वो तकरीबन जो है वो चेयरमैन या प्रेसिडेंट यहाँ पर मौजूद थे और सबका जो है वो ये मुत्तफिका फैसला है, सब ने मिलकर ये फैसला किया है और तमाम संस्थाओं के तमाम लोग यहाँ मौजूद भी। अच्छा, ये कितनी संस्थाएं, जैसे आपने 20 संस्थाएं बताई, उन 20 संस्थाओं के नाम आप बता सकते हैं? जी बिल्कुल, जैसे मैंने भी ये आपको बताया कि इसमें अंतिम यात्रा सेवा समाज, रामनाम कमेटी, यूथ सेवा समाज, जगत सेवा समाज, ह्यूमैनिटी सब 13 है, एकता पंचमुखी सेवा समाज, इसके बाद मिनोरिटी न्यूज़, इसके बाद सिंध हिंदू पीपल सेवा समाज, श्री कालका मां सेवा समाज, 11 मुखी एसोसिएशन, महर्षि वाल्मीकि सेवा समाज पाकिस्तान, मद्रासी सेवा समाज, सनातन सर्वेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, हिंगलाज वॉलंटियर स्क्वाड, यंग हिंदू सिविल लाइन सेवा समाज, उसके बाद गुप्त सेवा समाज, ये तमाम संस्थाएं यहाँ मौजूद हैं। ठीक है, तो आज की जो है मीटिंग के अंदर आप लोग का क्या फैसला तय पाया? हमारा फैसला ये तय पाया है कि जैसे कि कराची हिंदू फाउंडेशन से हमारे दिनेश भाई सरवैया और इनकी पूरी जो टीम है कराची हिंदू फाउंडेशन का जो है वो बायकॉट किया गया है, ना ही वो हमारे किसी प्रोग्राम में हम उनको इनवाइट करेंगे और ना ही उनके किसी प्रोग्राम में हम लोग जो है वो ज्वाइन होंगे उन लोगों के साथ। तो दिनेश भाई सरवैया ने ऐसा क्या काम कर दिया है जिसके लिए आप लोग सबके सब जो है, ये सबके सब आप संस्थाएँ जो है 15 या 20 संस्थाएँ जो आप बता रहे हैं अपनी, वो 15 से 20 संस्थाएँ जो है उनका बायकॉट कर रही है, तो ऐसी क्या वजह हो गई है? बिल्कुल, इतना बड़ा फैसला आप लोग ने ले लिया, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने जो है दिनेश भाई सरवैया ने एक पोस्ट किया, मेरे पास अभी मौजूद भी है, इसमें बाकायदा इन्होंने जो है ना मैयत कमेटी का एक ग्रुप है जिसमें कहा कि हम जो है वो ये सिर्फ मैयत कमेटी का ग्रुप है और इसमें जो है सिर्फ काठियावाड़ी कम्युनिटी के लोग होंगे और इसमें दूसरी जो कम्युनिटीज़ के लोग हैं जिसमें वाल्मीकि, गुजराती, मारवाड़ी, कोली, भील या सेकावाटी, ये लोग जो है वो इसमें नहीं भाग ले सकते ना, इसलिए उनको रिमूव किया गया उस ग्रुप से। और जब इनसे सवाल किया जा रहा है तो वो अपने लोगों को तो उल्टा सीधा अनाप शनाप जो है वो जवाब दे रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो है वो दूसरे ग्रुप में भी आके जब हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे तो वो नहीं कर रहे और इस चीज़ के लिए जो है वो ये तमाम यहाँ पर खड़े हुए हैं, सबके सब जो है ना इस बात की जो है ना वो एग्री करेंगे इस बात को। मैं चाहता हूँ कि आप इनसे भी थोड़ा सा मालूम कर लें, तमाम जितने भी हैं। जी सर, जी सर, अपना नाम बताइए। जय वाल्मीकि, जो बोले सो निर्भय, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि, दयावान जी की। मेरा नाम सनीशा वाल्मीकि है और मैं महर्षि वाल्मीकि सेवा समाज पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ रजिस्टर्ड का फाउंडर चेयरमैन हूँ। जैसा कि अभी परवेज भाई ने आपको MBSSP के हवाले से और तमाम संस्थाओं के हवाले से, दिनेश भाई के हवाले से इस चीज़ की बयानत की है कि जो इन्होंने काठियावाड़ी जमात को लेके सब लोगों की एक जो मेजॉरिटी बनने में आ रही थी हमारी इस पाकिस्तान रियासत में, कम्युनिटी के हवाले से सब एकता में आ रहे थे, तो इन सभी की जो है दिलाजारी हुई है, जिसके हवाले से कई दफ़ा ग्रुप में इस बात का इनसे जवाब भी मांगा गया और ये जवाब भी नहीं दे रहे, तो इसका क्या कारण हो सकता है? या तो इन्होंने आके जवाब देना था और जब एक्सक्यूज़ भी नहीं करी कि इन्होंने इस एकता को, इस मेजॉरिटी को तोड़ने की कोशिश की है, तो मैयत कमेटी के हवाले से हमें देखें, मौत मैयत में तो हमारा किसी से आने जाने में रुकावट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जहां बात अगर ये इनकी जो हिंदू क्या नाम है इनका, ये कराची हिंदू फाउंडेशन के हवाले से जो बात है मैयत कमेटी में जो ग्रुप में बात हुई है, तो उस पर हमने भी इनसे ये कहा था कि अगर आपके पीछे किसी ये सारी वॉइस महाराज आपने सुनी है? बिल्कुल, मैंने वॉइस को जो है श्रवण किया और दिनेश भाई के पक्ष में मैंने एक बात रखी थी कि हो सकता है कि वो उन्होंने किसी के दबाव में ये बात की है, तो अगर वो अपने आप को, क्योंकि देखें उनकी मिस्टेक है, उसने किसी को भी जवाब नहीं दिया बल्कि उल्टा लोगों के साथ उन्होंने डिबेट की, ये काम मेरे कान तक आवाज़ आई है, तो इस वजह से मैं भी आज इनके साथ हूँ जहाँ पर ये सारी संस्थाएँ खड़ी हुई है और इनका हमारे पाकिस्तान में बहुत बड़ा अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी समाज के लिए हर एक की किसी न किसी हवाले से जो है कोई ना कोई कर्तव्य है, तो मैं इन सबके साथ खड़ा हूँ और हमारी महर्षि वाल्मीकि सेवा समाज पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ रजिस्टर्ड और तमाम लोगों जो यहाँ पर संस्था के साथ खड़े हुए, इन्हें हमने किसी को भी कुछ नहीं कहा कि भाई आप हमारे साथ ये फैसला लें, लेकिन ये सबका फैसला है क्योंकि काठियावाड़ी जमात के बहुत सारे लोग हैं जो इस कम्युनिटी से हमारे साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जब ये दिनेश भाई ऐसी बात कर रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल से ये बहुत ही गलत बात है, इसमें एकता को तोड़ा जा रहा है और इस एकता को तोड़ने के लिए हम सब इनका जो है बायकॉट करते हैं। जितन भाई अपना जरा इंट्रोडक्शन कराइए। जय माता दी, मैं जितन भवन मांडविया आल पाकिस्तान श्री कालका मां सेवा समाज का कायद, और आज जो हम तमाम संस्थाएं एक प्लेटफॉर्म पर आकर जो मैयत कमेटी में हमारी काठियावाड़ी नाम को लेकर विखवाद डाला गया,
तो आज हम तमाम लोग जमा होकर उसका बायकॉट करते हैं और हम तमाम लोग एक कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो हिंदू हो, काठियावाड़ी हो, मारवाड़ी हो, वाल्मीकि। सर आप लोग को लगता है कि आप में एकता है ये सारी 15-16 संस्थाओं में? बिल्कुल एकता है हमारे में। आपके तो एक ही सदस्य अभी यहाँ से चले गए, कौन से सदस्य ज़रा सामने बुलाइए जी। भैया जय श्री राम, जय माता की। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे हम तमाम लोग आज मौजूद हैं, मकसद हमारा ये था कि जो मैयत कमेटी के अंदर जो 3-4 दिन से डिबेट चल रही है, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, गुजराती, भील, कोली, वाल्मीकि सेवा समाज, ये सब सनातन से जुड़े हुए लोग हैं, तो फिर ऐसा क्यों पंथापंथी क्यों हो रही है ग्रुप के अंदर? बाद में यही कहूँगा कि हमारे गुरुजनों से भी मेरी आज जुड़ के प्रार्थना है और हमारे पटेल साहिबानों से भी प्रार्थना है कि प्लीज़ इस मसले को जल्द से जल्द हल करें, आप लोग की मेहरबानी होगी, वरना ये मामला बहुत बिगड़ता जा रहा है। आप लोगों को नहीं पता कि ये मामला कहाँ जाकर रुकेगा, ऐसा ना हो कि आने वाले वक्तों में ये 9 नामी और 10 नामी वाला चक्कर चल पड़े। जय श्री राम, जय माता की। जी बाबू, जय माता की। जैसे हमारे जितन भाई ने और प्रकाश भाई ने जो बात की, हमारे परवेश भाई ने जो बात की, वो सही है कि हम सबको एक होकर चलना चाहिए। ये पंथापंथी नहीं रखनी चाहिए कि हम काठियावाड़ी हैं या कोई भी हैं, बाकी हम सबको मिलकर एक साथ। और जितनी भी ये संस्थाएं हम सब इनके साथ हैं और जो भी ये फैसला करेंगी हम इनके साथ हैं और आगे जाके इसके साथ रहेंगे। जय माता की। जी सर। जय मारी माता की। जय श्री राम। मैं कहने का मकसद ये है, आपका इंट्रोडक्शन क्या है? मैं मारी माता का जो मैं एज ए चेयरमैन हूँ कमेटी का, कहने का मतलब है, मेरे दिनेश भाई से भी बात हुई थी इस मौजू पर, तो दिनेश भाई ने मुझे ये बताया कि ये मुझे पटेल बाबू पटेल ने ये कहा था इस मौजू पर जो भी आपकी बात हुई थी दिनेश साहब से। दिनेश साहब से मेरी बात हुई, दिनेश भाई से। अपना इंट्रोडक्शन करें सर। जय श्री राम। जय मारी माता की। मैं रामू मद्रासी वेलफेयर का चेयरमैन, सही है, और मेरा दिनेश भाई से बात हुई थी इसी कमेटी के हवाले से, और दिनेश भाई मेरे घर पे खुद आए थे और उनसे मेरी ये बात हुई थी। उन्होंने मुझे कहा, यार मुझे तो पता नहीं है, मुझे बाबू पटेल ने ये कहा है, सही है, इस मौजूद की बात हुई, मेरे कुछ बात नहीं है, मैं कमेटी से ये बात। दिनेश आपने खुद ने आपको कहा कि बाबू पटेल साहब ने उनको कहा है? दिनेश भाई ने मुझे खुद कहा है, बाबू पटेल ने कहा, और मेरे प्रकाश से बातचीत हो रही है। प्रकाश से बात किसकी हो रही है? दिनेश भाई की। कौन से प्रकाश आपसे बात हो रही है? प्रकाश जो पंचमुखी का जो एज ए चेयरमैन है। अच्छा, ठीक है। प्रकाश से क्या बात हो रही है तो बता दें। जी अपना इंट्रोडक्शन करें। जय श्री राम। मैं आदित्य परमार, दी को फाउंडर ऑफ द ह्यूमैनिटी, ठीक है। जैसे कि ये आप सब लोगों ने आपने सुना ही होगा कि दिनेश भाई ने ये मतलब बात कही है कि ऊंच नीच की, कि काठियावाड़ी का ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये बात हमारे ग्रुप मेंबर्स ने भी सुनी है, मैयत कमेटी मेंबर्स है। तो बस मैं यही कहूँगा कि जो शख्स आज जो सारी कौमें एक साथ मिल रही हैं, आज जो सारी कौमें एक साथ खड़े होने के एक दूसरे के साथ जज्बा रख रही है, तो जो शख्स इनको इस तरीके से तोड़ने की करेगा, जो शख्स आपस में इखलाफात डालने की कोशिश करेगा, तो हम सारी संस्था एक साथ है, हम उन्हीं को ही जो है कि आराम से जो है कि निकाल कर हाथ पकड़ के बाहर कर देंगे। तो आप लोगों को मैं एक ही मैसेज दूंगा कि सो प्लीज़, अगर कौम आज इकट्ठा हुई है, हम सब भाई मिलके एक साथ हुए हैं, तो हमें तोड़ने की कोशिश ना करें। आदित्य, किसके दबाव में बयान दे रहा हूँ? सर मैं तो किसी के दबाव में नहीं, और शायद आपको पता होगा कि मैं आदित्य परमार हूँ और मैंने आज तक कभी किसी के दबाव में आकर या किसी कोई चीज़ में, लेकिन ये बात गलत है कि काठियावाड़ी गुजराती जो हमारी कौम में, जो हमारे भाइयों में ऊंच नीच डालेगा, तो उससे दबाव क्या, उससे किस बात का? तो हमें तो उसके खिलाफ़ कोई डर ही नहीं है ना, तो हम तो सीधा ही बोलते हैं भाई उसी को, जो बीमारी हमारे शरीर में कैंसर का रोग बन सकती है, इससे बेहतर है। जय माता दी। जय श्री राम। मैं करण कुमार मनोन्द्रा, अंतिम यात्रा सेवा समाज का प्रेसिडेंट, और आज जो कालका माँ मंदिर में जो आज मीटिंग रखी गई थी, उस मीटिंग रखने का मौका भी ये था कि पिछले दिनों एक मैयत कमेटी में से तकरीबन जो काठियावाड़ी नहीं है उनको रिमूव किया गया था, और उसी बिहाफ पे मीटिंग रखी गई थी। सेकंड, जब उनसे दिनेश भाई से जब सवाल किया गया तो उन्होंने आकर कहीं से जवाब नहीं दिया, और उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए अंतिम यात्रा की पूरी टीम कराची हिंदू फाउंडेशन का बायकॉट करती है। ना हम उनके किसी इवेंट में जाएंगे, ना वो हमें किसी इवेंट में हमें बुलाए। सेकंड, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, हम यहाँ पे जो हमारी कम्युनिटी है, हम यहाँ पे आटे में नमक के बराबर है। अगर हम ही आपस में एक दूसरे की जड़ें काटेंगे तो हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कृपया, मैं तमाम लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये सोच बदले
आज हम लोग 2021 में खड़े हुए हैं, आज हमारे हाथ में मोबाइल है, आज हमारे हाथ में झाड़ू नहीं है, आज हमारी कम्युनिटी के लोग बैंक में मैनेजर भी बैठे हुए हैं, अगर वो गटर खोल रहे तो मैनेजर भी बैठे हुए, और हम आगे और कुछ भी करना चाहते हैं तो प्लीज़ ये अपनी सोच बदले, 1950 को हटाए, वो 2021 में जीना शुरू करें, आगे जो है 2022 आएगा और इसी तरह शायद हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। जय माता दी, जय श्री राम। जी अपना नाम बताइए। जय श्री राम, जय माता की। मैं जीवन जेठवा, जगत सेवा समाज का प्रेसिडेंट। जय श्री राम, जय माता की। मैं जीवन जेठवा, जगत सेवा समाज का प्रेसिडेंट। जिस तरह आप देख सकते हो कि मैयत कमेटी के हवाले से जो यहाँ बात चल रही है और ये मीटिंग अटेंड की गई है, तो हमें भी इसमें दावत दी गई है, तो बहुत खुशी हुई है सुन के सबकी बातें और सबकी ये मीटिंग करके। तो ये मैयत कमेटी के अंदर जो ये नफसासी चल रही है पंथापंथी की और जो लोगों को अंदर रिपोर्ट पाड़ी जा रही है, तो ये तमाम लोगों के सामने ही है। और जिस तरह हमारे दिनेश भाई कौम को जवाब नहीं दे सकते, तो उन्होंने एक ही चीज़ रटा लगाई कि मुझे ऊपर से ऑर्डर है। अब ये भी नहीं बता रहे कि कितने ऊपर से ऑर्डर है, और हमारे बाबू पटेल साहब है वो भी कुछ नहीं बता रहे, सिर्फ वो राइटिंग में लिख के दे रहे, तो वो भी इसको समझ नहीं आ रही है वॉइस करने में उसको क्या हो रहा है। तो भाई ये तो एक दूसरे को तोड़ने की पक्की पक्की साजिश है, तो इस साजिश को रोका जाए। तो इसके हिसाब से हम तमाम लोग मिल के यही मीटिंग की है कि जिस तरह कराची हिंदू फाउंडेशन। जीवन भाई, आप क्या, आपको लगता है कि ये साजिश हो रही है? ये मेरे ख्याल से खुली खुली साजिश है। जब जवाब नहीं मिल रहा है तो उसको साजिश ही बोलेंगे। तो आप मुझे बताइए, जब किसी पर इल्ज़ाम लगा रहा है तो वो उसका जवाब देगा नहीं देगा? सिर्फ टाइपिंग में लिख रहे हैं तो मतलब सिर्फ टाइपिंग में क्या मतलब है? शेर व शायरी चलेगी, हंसी मजाक चलेगी, तो उनको वॉइस करने में क्या है? तो ऊपर से बताइए, जो ऊपर के बंदे हैं वो कौन है जो ऑर्डर कर रहे हैं, या दिनेश भाई इसमें खुद शामिल है या ऊपर के लोग हैं, ये बताइए। उनको खुल के कौम के सामने जवाब देना चाहिए, वो क्यों जवाब नहीं दे रहे? तो भाई ये हम लोग ने ये चीज़ का हमने भाई ये एक प्लानिंग की है, इसके हिसाब से तमाम लोगों की रजामंदी से, इसमें किसी के साथ कोई दबाव नहीं है, अपनी मर्जी से खुद इस ग्रुप से हम लेफ्ट करेंगे। कराची हिंदू फाउंडेशन को यही है कि ना हम इनकी टीम में शामिल होंगे ना वो हमारी टीमों में शामिल हो, क्योंकि ये इन्होंने बिल्कुल ये खुले अल्फाज में कह दिया। आपको कैसे पता कि उन्होंने तोड़ने का काम किया है? तो वो जवाब क्यों दे रहे? 5-6 दिन से ये डिबेटें चल रही है हर ग्रुप के अंदर, सिर्फ उस ग्रुप के अंदर नहीं, हर ग्रुप में वाइस चल रही है, तो वो जवाब क्यों नहीं दे रहे? उस टाइम तो हर जगह वो कूद पड़ रहे, क्योंकि इसमें मुझे फुल टाइम ये लग रही, फुल प्लानिंग है हर किसी को तोड़ने की। तो माता की कृपा से अभी तक किसी कोई बात नहीं है, हम सब जुड़ के मिल के काम करेंगे, किसी के साथ हम लोग को डर खौफ नहीं है, और इसी तरह चलना चाहिए। दिनेश भाई आपसे सवाल, अगर ये वीडियो देखते हो तो आप जवाब दीजिए, क्योंकि ये तमाम लोग अभी भी आपके जवाब के मुंतजर बैठे हुए, तो आपको जवाब देना चाहिए। आपके ऊपर कौन है वो भी बता दीजिए, ऊपर तो कितना ऊपर जाएंगे वो भी बता दीजिए। जी सर, अपने क्वेश्चन में। जय श्री राम, मैं मालसी माहेश्वरी लेहरी से, गुप्त सेवा समाज का चेयरमैन। दो दिनों से मैं देख रहा हूँ ग्रुप के अंदर जो बटबेल चल रही है, जो काठियावाड़ी के सिलसिले में मैयत कमेटी के लिए, इसके लिए सुन के हमें बहुत दुख हुआ। तो इस वजह से मैं इस ग्रुप को आया हूँ, इस कमेटी में, यहाँ पर ओल्ड एरिया में मीटिंग में। तो मेहरबानी करके जो भी भाई पटेल साहिबान हैं या कोई भी धीरज हैं, कोई भी है, तो मेहरबानी करके इनको जो है ना चलाएं। जय श्री राम, जय माता की। मैं रॉबिन दास, यंग हिंदू शिवालयन समाज सेवा का चेयरमैन। मेरी आप लोगों से गुजारिश ये है कि जैसे कि मैयत के ग्रुप से अभी हमारे करण भाई लोगों को, मैं तो उसमें ऐड नहीं था और निकाला गया है, तो मेरी गुजारिश ये है कि आप ऐड नहीं थे तो आपको निकाला कैसे गया? मुझे नहीं निकाला गया, हमारे जो करण भाई है जैसे और भी गुजराती है। तो फिर आपको कैसे पता कि सारी चीज़ें हुई? ये माइनॉरिटी ग्रुप के अंदर मैं हूँ, ये उसके अंदर चल रही है वॉइस है। तो मेरी गुजारिश ये है कि जिन्होंने भी ये ऐसी हरकत की है, तो मैं भी सिविल लाइन के अंदर काम कर रहा हूँ, गुजराती काठियावाड़ी हिंदुस्तानी के हवाले से हम लोग मौत मैयत के हवाले से काम करते हैं, हम वहाँ जाके सेवा करते हैं। जब हमारी कौम एक प्लेटफॉर्म पे जा रही है तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और मेरी पटेलों से ये गुजारिश है जितने भी, कि इस चीज़ को बिल्कुल सीरियस तरीके से लिया जाए, क्योंकि माइनॉरिटी ग्रुप के अंदर मैं खुद ऑलरेडी ऐड हूँ, तो मैं भी देख रहा हूँ कि बाबू पटेल साहब कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, और एक मैसेज उनका आता है, वॉइस मैसेज नहीं आता, काफ़ी लोग उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कोई जवाब नहीं दे रहे। इस हवाले से आज ये मीटिंग अरेंज करी गई, और इस आगे जाके ऐसे मामला ना आए तो प्लीज़। जी जय श्री राम, जय माता की। मैं यूथ सेवा समाज का चेयरमैन विशाल चौहान। तो बेसिकली जो ये कौम के बीच में लड़ाने वाले जो नासूर लोग हमारे, जो हमें आपस में लड़ा रहे, क्योंकि ये चाहते एक ग्रुप अलग से दूसरा बना सकते थे, अगर इनकी कोई अंडरस्टैंडिंग ऐसी हुई हुई है, काठियावाड़ी एक ग्रुप बना सकते थे जिसमें किसी को बुरा लगता नहीं था, लेकिन इन्होंने सियासत जो करी लोगों के साथ, हम लोगों को रिमूव किया। तो ये नासूर लोग जो 3-4 लोग हमारे जो काले भेड़िए जिसको कहते हैं,
ये वो लोग हैं जो कौम को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे भाई, हम सब पढ़े लिखे हैं, जाहिल लोग नहीं हैं, तो हम नहीं लड़ेंगे। आप लोग जितनी भी कोशिश कर लें, और हमारी यूथ सेवा समाज का और जो जितनी वेलफेयर्स यहाँ पे खड़ी हुई है, सबका बायगार्ड है ऑल कराची हिंदू एनजीओ से और मैयत कमेटी से। जय श्री राम, जय माता की। ओके, जय श्री राम। मैं भगत चांद, श्री ग्यारह मुखी हनुमान वेलफेयर एसोसिएशन से। और जैसा कि अभी ये मसले मसाइल हो रहे हैं घनाती के लेके, दिनेश भाई सरवरिया ने जो ये कार्य किया है मैयत कमेटी में, हम तमाम लोग इसके खिलाफ़ है। और हम तमाम लोग दो चार दिन, आज तीसरा दिन है, हम लोग उनसे सवाल कर रहे हैं तो वो कोई भी जवाब नहीं दे रहा। तो हमारा आज मीटिंग हुई थी तमाम एन जी ओज के मेम्बरों की, और तमाम एन जी ओज हम लोग इंसानियत पे काम कर रहे हैं। और इंसानियत सबसे पहले हम लोग को इंसानियत को देखना चाहिए, और जो ये कौम का नहीं है तो हमारा भी नहीं है। और हम तमाम लोगों ने इनको बायकॉट किया है, मैयत कमेटी से और कराची हिंदू फाउंडेशन से हमारा बायकॉट है। जो कौम का नहीं है, हमारा भी नहीं है। जय श्री राम। नमस्कार, जय माता की। मैं हिंगलाज वॉलंटियर सिक्योरिटी स्क्वाड का चेयरमैन संदीप गोपी चिंडालिया गुजारिश अर्ज ये करता हूँ कि जिस तरीके से ये जो कौमियत के हवाले से जो जंग चल रही है, ये नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमारा हमेशा एक ही मंशूर रहा है कि सनातन धर्म पे काम करना। सनातन धर्म बेसिकली एक ऐसी चीज़ है, वो सिर्फ और सिर्फ धर्म पे काम कर रही है, ना ही वो किसी कौम के ऊपर काम कर रही है। अगर इस तरीके से कौम को लड़ाने के लिए मैसेज छोड़ा जाएगा तो वो बहुत गलत होगा। इस वजह से आज जितनी भी एनजीओज थी यहाँ पे, 14-15 या 20 एनजीओज जितनी भी मौजूद थी, उनका एक ही मंशूर था कि जिसने भी ये मैसेज छोड़ा गया तो उसे ऐसा मैसेज नहीं छोड़ना था। अगर ग्रुप ही बनाना था या एक ग्रुप के लिए एक पर्सनली ग्रुप बना लिया जाता तो वो ज़्यादा अच्छा होता, ताकि किसी कौम या किसी मज़हब की भी दिल नहीं दुखता या किसी को तकलीफ़ नहीं होती किसी भी कम्युनिटी के हवाले से। तो संदीप भाई, आपने काफ़ी टाइम से बड़ी सेवाएँ की, खिदमत की है वगैरह, तो ये मुझे बताएं, हाल ही में जो है, अच्छे 3-4 महीने पहले जो है, आप लोग एक प्रोटेस्ट भी लेकर गए थे यहाँ से, प्रोटेस्ट प्लस यात्रा, ठीक है, उसमें क्या आपको भी पैसे मिले थे क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल ये गलत है। देखिए, ये मौजू आप सवाल कर रहे हैं तो मैं जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप एक न्यूज़ रिकॉर्डर